राधे राधे दोस्तों, और हेलो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब तो अच्छे ही होंगे। तो गाइज, मैं निकली हूँ अपने सोलो व्लॉग के लिए। कल से निकली हुई हूँ और आज 29 तारीख है। तो भाई अभी सुबह के जो है वो 9 बज रखे हैं। मैं लेट होगी, मुझे सुबह 6 बजे निकलना था क्योंकि धुंध इतनी पड़ रही थी। आप पीछे भी देख सकते हो, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये हमारे भाई जी खड़े हैं। मेरी कैप अच्छी लग रही है ना, ये मुझे इन्होंने ही दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। वो बोल रहे हैं ऐसे नहीं जाना यहाँ से, ये कैप पहन लो ठंड लग जाएगी। तो रात को मैं यहाँ पे मंदिर में ही स्टे किया था मैंने, कुरुक्षेत्र में। कृष्ण ज्ञान मंदिर है यहाँ पे, बहुत भरपूर ज्ञान मिला मुझे जो अभी तक मुझे नहीं पता था, वो भी पता लग गया भाई जी से। चलो ठीक है भाई जी। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं अपना हाईवे पे, वहां से लिफ्ट लेके हम चलेंगे फिर खाटू जी। राधे राधे जी। तो चलो यार गाइज, अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं यार, बहुत ज्यादा लेट हो गई। कब पहुंचूंगी मैं खाटू श्याम जी, मुझे नहीं पता। फिर मैंने और जगह भी जाना है, वृंदावन भी जाना है, लेकिन वृंदावन कब जाऊंगी ये नहीं अभी मुझे पता। अभी मतलब मैंने सोचा नहीं है, पहले खाटू श्याम जी जाया है फिर वृंदावन भी जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से चलते हुए जाते हैं, हाईवे पे मिलती हूँ मैं आपको। तो गाइस कल जो है वो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, क्योंकि कल मेरा पहला दिन था सोलो व्लॉग का। तो यार कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन कुछ भी मुश्किल भी नहीं है अगर हम कहें तो। कल जब मैं निकली तो फिर मैंने अम्बाला तक तो अपना बस से सफ़र किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्री था। शंभू तक मैं फ्री आई, तो शंभू से मैंने एक भैया से लिफ्ट ली, उन्होंने मुझे अम्बाला तक छोड़ दिया। फिर बज गए थे शाम के 4, तो मैंने सोचा अब 4:30 हो गया, अब क्या जाऊँगी, अब मैं स्टे कर लेती हूँ कहीं पर। तो मैं वहाँ से मैंने मुझे फिर ऑटो वाले भैया ने एक ने लिफ्ट दी, वो भी बिल्कुल फ्री में। वो शाम प्रेमी थे तो बोल रहे मैं छोड़ देता हूँ आपको मोड़ी तक। मैंने सोचा था गुरुजी के आश्रम में वहाँ पे जो धाम बना हुआ है वहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं रुक सकते। लेकिन मैं ये बोलूँगी यार, अगर अकेली लड़की होती है ना तो प्लीज़ उसको मतलब रहने दिया करो, और जो आपका पाठ करते हैं उनको तो वैसे भी रहने देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद मुझे एक और भैया मिल गए वहाँ से, वो बोल रहे हम आपको कुरुक्षेत्र छोड़ देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो, कि मैंने बोला मैंने मुझे पेट्रोल पंप पे छोड़ देना, वहाँ पे अपना कैंपिंग टेंट लगा दूंगी। तो वो बोले नहीं नहीं आपको वहाँ पे रुकने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम आपको मंदिर में ही छोड़ देंगे, क्या आप वहाँ पे क्यों रुकोगे। तो वो भैया मुझे यहाँ मंदिर में छोड़ गए, कृष्ण ज्ञान मंदिर में। तो गाइस अभी ना थोड़ी दूरी रह गया हाईवे, बस मैं हाईवे पे पहुंचने वाली हूँ। वो बैग नहीं उठाया जाना मुझसे, ताकि मैं यार बहुत परेशानी आती है पैदल चलने में, सही में ऐसी आसान नहीं है। तो यार जल्दी जल्दी से चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम। हाँ जी, TMVD ये रहा, इस पे लिखा हुआ है TMVD। हाँ जी, तो यार हाँ जी, हाँ जरूर जी, आपकी भी डलेगी थी ब्लॉगिंग में। फाइनली मैं ना अभी हाईवे पे पहुंच गई हूँ, और मैं यहाँ से लेती हूँ लिफ्ट, क्योंकि मैं ना आते आते थक गई, मैंने किसी से कोई लिफ्ट नहीं ली, पैदल चल के आई हूँ ना काफी दूर से। तो फिर अभी हम लिफ्ट ले लेते हैं, देखते हैं। यार कौन कहता है लिफ्ट लेनी आसान है, नहीं आसान, कोई रुका ही नहीं यार। ट्रक वाले भैया जा रहे थे, वो रुके हैं वो, और दीदी चलो चलो जल्दी से भाग के, वो बहुत दूर जाके रुके हैं, यहाँ पे रुक नहीं सकते थे। मुझे लग रहा है राजस्थान जा रहे हैं वो, मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि उनके लिखा हुआ है उनके बोर्ड पे। तो जल्दी जल्दी वो रहा, ट्रक रुका है अपने लिए, वाओ। अरे ट्रक इतना ऊंचा, मैं चढ़ूंगी कैसे? सबसे पहली बात तो ये,
पहली बार बैठी हूँ तो भाई नजारा देखो आप बाहर गए यहाँ से। हेलो तो गाइस अभी पता क्या हुआ था, ये वाली विंडो खुली थी एकदम से, मैं डर गई थी तो फिर अभी ये बंद हो गया, लॉक हो गया, मुझे नहीं पता था क्या था, मैंने ऐसे ही लगा ली थी, हवा से खुल गई थी। तो यार इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, तो अंकल जी ने इसलिए ना चाय के लिए ना ट्रक रोक लिया यहाँ पे, तो अंकल जी ने चाय तो पी नहीं थी, चंडीगढ़ भी नहीं पी अंकल जी ने चाय, अंकल जी चंडीगढ़ से ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं, तो अंकल जी बोल रहे समालख के पास आके, अंकल जी कह रहे हैं यहाँ पे रोके चाय पियो, ले बेटा चाय ले, अंकल जी ने मेरे लिए भी चाय बनवाई है, मैंने कहा अंकल जी मैं मीठा कम पीती हूँ, तो अंकल जी ने मीठा कम डलवाया यार।